फायर हो गया है आपका दिसंबर 20, ये सीरीज का एक्सपीरियंस दिसंबर 20 यानी 20 साल का है और इसमें कितना है। अरे ये आप एक काम कीजिए, उसका आप पूरा सील कर लीजिए, इस स्टोर को आप भी सील कर लीजिए, लॉक लगा दीजिए, एक ऑफिस से अलग से रिपोर्ट कीजिए और हो सकते तो आप खुद आइए, खुद आके उसका इंक्वायरी कीजिए। अगर हम उसके ऊपर छोड़ के चले जाएंगे तो ये निकल के बाहर देख देंगे, है ना। तो इसके लिए आप उसको अभी भी सील कीजिए इस ऑफिस को और इसे हो सके तो इतना उसके पास सीरीज पड़ा हुआ है, वो बाहर से और भी मांग रहा है, तो हमने तो ये पैसा तो हमारी सरकार से जा रही है। काम किया ये देख लीजिए, 2020 में दिसंबर उसका एक्सपायर हो गया और फिर भी उन्होंने बहुत सारा माल और भी दे दिया, है ना। और इसका भी देख लीजिए क्या है, इसका एक साल पहले उसका एक्सपायरी हो गया तो उन्होंने उसका यूज किया नहीं, दूसरों से और भी मंगा। इट इज मीन्स देयर इज समथिंग हिडन इंटेंशन, हो सकता है ना। तो ये आपने पैसा इसके लिए तो पैसा नहीं सरकार खर्चा कर लिया, सरकार जो पैसा इसके ऊपर खर्च कर रही है तो ये किस किसके लिए कर रहे हैं। अगर लोगों को यूज में कहा है तो कितना पड़ा हुआ है इसको, आपकी मेडिसिन का अवेलेबल आपको
बेंच नंबर बता। अरे बेंच नंबर आता है फूड आइटम सेम आइटम तो आज तक है ना, सेम आइटम तो 6 महीने 3 महीने 5 महीने आज तक है, ठीक है ना। लास्ट पे तो सरकार से बेंच नंबर था कि काफी ये आइटम का कोबे पूरा ठीक आ से ये हमारा कुछ आइडेंटिटी क्यों रहा सपोज हम यहां पर ये जो सेट आपका पोजीशन पोजीशन से ये रहा था ना एक्सपायरी के लिए तो सीरीज এটা তো একটা ব্যাচের মাল ঠিক না, তারপরে ফার্দার আরেকটা প্রোডাকশন আছে আরেকটা লটের মাল আইব। এই লটের কত মাল ছিল কত ইউজ করলেন কত আপনার কাছে ব্যালেন্স থাকে এটা আপনার কেমনে বুঝবো? নাম তো সেম, রেন্ডম সেম রে তাই না, রেন্ডম তো চেঞ্জ হতে নেই হতা ম্যানুফ্যাকচারিং ফিশ ফিশ কে আলাদা করা আর আছে কোয়াল ফিট কি আলাদা কোয়াল কেসে পাতা চলেগা अरे लिखने से आपने लिखा क्यों नहीं? वो तो मुझे समझ में आ गया, लिखने से समझ चलेगा। भाई भी नहीं लिखेगा नहीं। अरे इसके लिए किसी आईडी पर नहीं है। लेकिन ये बास तो पड़ी मानी तूने आईडी वाले के साथ निश्चित